मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्हास, 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 मेरा उल्हास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्हास। नमस्कार, मेरा उल्हास टीवी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट रोहित। मेरा उल्हास यानी हमारा शहर उल्हासनगर, क्या है इसकी गतिविधियां, क्या है इसके घटनाक्रम, आइए देखते हैं मेरा उल्हास में। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्हास। नॉइज़ पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण, जिसके कारण कई बीमारियां पनपने लगती हैं, इस बारे में जन जागृति फैलाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक थे थाने सिटी पुलिस विभाग, हिराली फाउंडेशन और CHM कॉलेज। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्हास। नॉइस पोल्यूशन के बारे में जिस प्रोग्राम का आयोजन किया गया उसका शीर्षक था शांति वार्ता, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित थे जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री मधुकर पांडे, जोन 4 DCP श्री अंकित गोयल और पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी, जिनका हार्दिक स्वागत किया गया। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्हास।
इस कार्यक्रम में थाने सिटी पुलिस कमिश्नर श्री परमबीर सिंह भी आने वाले थे, लेकिन अनुपस्थित रहने के कारण उन्होंने मेरा ओला टीवी न्यूज़ के माध्यम से अपना वीडियो संदेश भिजवाया। ध्वनि प्रदूषण के बारे में मैं सभी को ये जानकारी देना चाहूँगा कि ध्वनि प्रदूषण का एक तो कानूनी मापदंड है, लेकिन कोई भी ऐसी आवाज़ जिससे किसी दूसरे को हानि पहुँचे उसे साधारण भाषा में ध्वनि प्रदूषण कहा जा सकता है। कानून में इसकी परिभाषा दी गई है, लिमिट बताई गई है, और उससे जो भी नॉइज़ या साउंड एक्सीड करती है वो लीगली नॉइज़ पोल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। और इसके बारे में कानून बनाया गया है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स हैं, और वायलेशन इन रूल्स का और इस एक्ट का वायलेशन एक गंभीर गुनाह भी है। जो कानून है वो कहता है कि रात के समय 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक ध्वनि प्रदूषण लाउडस्पीकर का इस्तेमाल परमिशन लेकर भी नहीं किया जा सकता। इसके बारे में कानून बहुत ही क्लियर है। पटाखे या किसी दूसरे साधन से भी आप ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकते, कानून बहुत स्ट्रिक्ट है। तो मेरी आप सभी से अपील है कि रात के समय तो बिल्कुल ही ध्वनि प्रदूषण नहीं करना, दिन के समय भी अगर आपको लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए प्रोसीजर ले डाउन है, परमिशन लेके और कानूनी लिमिट को फॉलो करते हुए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कीजिए। सबसे ज़्यादा नुकसान ध्वनि प्रदूषण का होता है वो ओल्ड लोगों को होता है, बीमार लोगों को होता है, बच्चों को होता है, और सबसे अधिक जो पालतू जानवर हैं या जो वाइल्ड लाइफ है, पक्षी हैं, उनको भी इसका बहुत ज़्यादा अधिक नुकसान होता है। इसके अलावा प्रदूषण जो नॉइज़ पोल्यूशन है इस स्टूडेंट्स की स्टडीज़ में उनको बाधा पहुँचाता है। साधारण हेल्दी लोग हैं उनके लिए भी ध्वनि प्रदूषण हानिकारक है। इसलिए मेरी सभी से यही अपील है कि नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स का वायलेशन ना करें, नॉइज़ पोल्यूशन ना क्रिएट करें। कोई धर्म नहीं कहता ध्वनि प्रदूषण कीजिए, कोई धर्म नहीं कहता दूसरे किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाइए। और पुलिस का जो एक इनिशिएटिव हमने हिराली फाउंडेशन के साथ लॉन्च किया है नॉइज़ पोल्यूशन कम करने के लिए, उसमें पुलिस का साथ दें, हिराली फाउंडेशन का साथ दें। इसके बारे में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश निर्देश भी जारी किए हैं, उनका पालन करें और उन निर्देशों का पालन करने में पुलिस की मदद करें। आप सभी से यह मेरी अपील है। मुझे विश्वास है कि पिछले कुछ समय में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसको माना कि अवश्य ही अवेयरनेस पैदा हुई है, और इसमें विशेषकर बच्चों ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जो बच्चे जानकारी उनको स्कूल के मार्फत, पुलिस के मार्फत, हिराली फाउंडेशन के मार्फत दी गई, उसका बहुत ही असर पड़ा है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये हमारा जो एक हमने एक ड्राइव शुरू की है इसमें आगे हमारा साथ देते जाइए, और अल्टीमेटली हमको नॉइज़ पोल्यूशन फ्री शहर बनाना है जिसमें किसी को परेशानी ना हो। सब लोग सेलिब्रेट करें, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सेलिब्रेट करें, दूसरे को हानि पहुंचाते हुए नहीं। यही हमारा संदेश है। आप सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा। थैंक यू। जय हिंद। आपकी ज़ुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। इस अवसर पर थाने सिटी पुलिस की तरफ से जॉइंट कमिश्नर DCP, हिराली फाउंडेशन की तरफ से एडवोकेट पुरुषोत्तम खानचंदानी और CHM कॉलेज की तरफ से प्रिंसिपल मंजू पाठक ने अपने विचार व्यक्त किए। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स और एक चैप्टर है फंडामेंटल ड्यूटीज। वी ऑलवेज आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ राइट एंड अ ड्यूटी, and it's a lot of people have taken a lot of pains and efforts to explain ki right kya hai, duty kya hai, adhikar kya hai, kartavya kya hai. Us pe kuch logon ne kitab bhi likh di hai ek chote subject pe, lekin agar ek line mein explain kiya jaye to one man's right is another man's duty. So there is a person called A and there is a person called B. A has a right to celebrate his son's marriage. B has a right to sleep peacefully in his house. A has a right to celebrate, but A's duty is to ensure that his B's peace is not disturbed. B sleeps well. B has a right to sleep well. He should sleep well. But he should not disturb, he should not do anything which disturbs the celebration of A. This is called living in harmony. Harmonious living, respectful living, mutually respectful living is all
दैट देयर इज टू इट. बाकी इसके बारे में हम लोग अगर टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो काफ़ी कुछ कहा जा सकता है, काफ़ी कुछ हम कह सकते हैं. पहले इंडिया वॉज अ कंट्री ऑफ विलेजेस, इट्स स्लोली स्टार्टेड बिकमिंग अर्बनाइजिंग. और जो गांव से शहरों का जो डेवलपमेंट हुआ उस पीरियड में लोग पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई. आज मुंबई के शहरों में, यहाँ इस एरिया में, ठाणा आयुक्ताले में, मुंबई में, हर जगह पे, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में इतनी गाड़ियाँ हैं कि ट्रैफिक इज चोक. ट्रेन से अगर आप कम्यूट करें तो इतने लोग हैं कि ट्रेन सा चोक. उसी तरीके से नॉइज जो है, इतने सारे सोर्सेज हैं कि वो सबका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया. We really have an epidemic like situation today. कायदे बहुत सारे बनाए गए हैं एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए, नॉइस पोल्यूशन को रोकने के लिए काफ़ी सारे कायदे बनाए गए हैं, लेकिन जो कायदे बने हैं वो कुछ कायदे बहुत पुराने बने हुए हैं और कई कायदों में और जो ग्राउंड पे रियलिटी है उसमें तफावत है. जैसे हमारा अर्बन प्लानिंग हुआ, हमारा इंडस्ट्रियल प्लानिंग हुआ, उसमें उतना सिस्टमेटिक तरीके से प्लानिंग ना होने की वजह से हमको इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं. जैसे उल्लासनगर में हम देखेंगे कि बांसुरी नदी का पोल्यूशन मेजर कॉज है जो जीन्स फैक्ट्री. जीन्स फैक्ट्रीज एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है लेकिन वो उल्लासनगर में रेसिडेंशियल एरिया में होती है. तो इस तरह से सिर्फ उल्लासनगर में ही नहीं, पूरे देश में इंडस्ट्रियल एरिया, रेसिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया, वो सारा मिक्स होकर रखा हुआ है. उसकी वजह से लीगल एस्पेक्ट्स में, इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स में हमको कई बार दिक्कत आती है. रहा सवाल नॉइज़ पोल्यूशन का, तो नॉइज़ पोल्यूशन में भी जैसे हमारे देश में बहुत सारे हर धर्म के अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, हर त्यौहार में बहुत सारे प्रोसेशंस निकलते हैं, हर प्रोसेशन में बहुत सारा नाचना गाना बजाना होता है. तो उस त्यौहारों के दौरान नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करना या नॉइज़ पोल्यूशन के रूल्स को इम्प्लीमेंट करना, उसमें हमको पुलिस की यंत्रणा को दिक्कतें आती हैं. तो इसलिए सिर्फ पुलिस या सिर्फ लीगल एस्पेक्ट्स अगर हम देखेंगे तो हम पोल्यूशन को नहीं रोक सकते. और इसीलिए जो दूसरा और तीसरा एस्पेक्ट है, यानी कि NGOs का रोल अवेयरनेस फैलाने के लिए, इस तरह के ऑडियो विजुअल मीन्स से या न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स से या लॉ को चेंज करने के लिए, गवर्नमेंट से अपील करने के लिए, तो इन चीज़ों में जो NGOs का रोल आता है, जैसे आज हीराली फाउंडेशन के साथ मिलकर हमने ये कार्यक्रम किया है. हीराली फाउंडेशन का एक मेजर रोल है कि वो किस तरह से गवर्नमेंट पे लॉ को चेंज करने के लिए या कोर्ट के माध्यम से लॉ में कुछ सुधारणा करने के लिए किस तरीके से काम कर सकते. और आप सभी प्रिंसिपल्स को आज के इस कार्यक्रम में इसलिए बुलाया गया है कि आप लोग जाकर अपने अपने कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको, जो आज हम अवेयरनेस के बारे में, पोल्यूशन के अवेयरनेस के बारे में आपको बता रहे हैं, आप अपने अपने कॉलेजेस में जाके अपने अपने कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को अगर बताएंगे, हम आपको जो ऑडियो विजुअल मीन्स है वो भी CD के द्वारा आपको दिया जाएगा, तो आप अपने कॉलेजेस में प्ले कर सकते हैं. अगर हम NGOs के रोल के बारे में बात करें तो विल गो बैक टू 19th century, जब चाइल्ड मैरिजेस होती थी, जब विधवाओं के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, और इन सब कुप्रथाओं को दूर करने के लिए NGOs आ गया है और उन्होंने रिफॉर्म मूवमेंट चालू किया और इन प्रथाओं के ऊपर हमने जीत पाई. जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, अर्बनाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और इसके साथ जुड़ी हुई और समस्याएं आई, जैसे झोपड़पट्टी का बन जाना, लोगों का फुटपाथ पे रहना, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट होना, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसका मिसयूज होना, और सबसे इम्पोर्टेंट पोल्यूशन होना, चाहे वो एयर हो, नॉइज हो या वाटर. आज के समारोह का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम जितने भी यहाँ शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो नॉइज पोल्यूशन, वो ध्वनि प्रदूषण की बातों को जागरूकता स्कूल के बच्चों में, कॉलेज के बच्चों में हम करें, तो धीरे धीरे जागरूकता के साथ, अब जिम्मेदारी के साथ कानूनी पक्षों को सामने रख के किस तरह हम इन सब के दुष्परिणामों को कम कर सकते हैं. जब हीराली फाउंडेशन और हमारे
डीसी साहब से, ये डीसीपी साहब से ये प्रपोजल आया, तो अब मुझे क्या लगा कि आर्थिक अध्ययन भी ये कहता है कि जब एक बार हम फिनेंशियली इस्टेब्लिश हो जाते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं, फिर हम अपना कंट्रीब्यूशन परिवार में डालते हैं, जब पारिवारिक जिम्मेदारी खत्म हो जाती है तब हमारी सामाजिक जिम्मेदारी जरूर बनती है कि हम समाज के लिए कुछ ना कुछ करें। तो यहाँ पर बैठे हुए जितने भी अध्यापक, हमारे जितने भी प्राचार्य या जितने भी प्राचार्य के द्वारा, प्राचार्य के द्वारा भेजे गए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे मैं ये आह्वान करूंगी, जरूर बोलूंगी कि आज का जो भी पूरा प्रोग्राम था, इसी तरह का पूरा प्रोग्राम हम अपने स्कूल्स कॉलेजेस में एक बार साल में जरूर करें। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। इस कार्यक्रम का सफल सूत्र संचालन वरिष्ठ पत्रकार श्री एन रमेश जी ने, यानी रमेश ननकानी जी ने किया, और आभार व्यक्त किया इस कार्यक्रम की सर्वे सर्वा श्रीमती सरिता खानचंदानी ने। वॉइस पॉल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण, ये जो सब्जेक्ट है, इसके बारे में ठाणा आयुक्तालय में, अंबरनाथ उल्लासनगर ये जो एरिया है, इसमें कई जगहों पर सर्वे करने के बाद में हमने पाया है कि जो ध्वनि का प्रदूषण का जो स्तर है, कायदे में जो मर्यादा दी गई है, उससे ऑलरेडी बहुत जगहों पर ज़्यादा है। और इसके बहुत तरह के सोर्सेज हैं, ट्रैफिक सोर्स, वहीकुलर सोर्स, बाकी कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, फिर सेलिब्रेशंस, ये तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके बारे में हम जो एक्शन लेते हैं, एक्शन तो हम लेंगे ही, जो कहीं जहाँ भी कायदेशीर कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम एक्शन लेंगे, लेकिन इसके अलावा पब्लिक में अवेयरनेस करना, और पब्लिक में अवेयरनेस करने के लिए एक स्टूडेंट्स में अवेयरनेस करना, उसके लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर ये प्रोग्राम आयोजित किया था। इसमें हिराली फाउंडेशन ने हम बेसिकली एक अहम भूमिका निभाई थी। इस कार्यक्रम के द्वारा हम लोगों ने कॉलेज के प्रिंसिपल्स को बताया, और कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको बताया, और उनसे अपेक्षा ये है कि वो जाके इसका और डिसेमिनेट करेंगे। हमने उनको ये बताया है कि इसके बारे में, ध्वनि प्रदूषण के बारे में कायदे में क्या तरतूदें हैं, क्या है, आपसे क्या अपेक्षा है, और इस ध्वनि प्रदूषण के क्या नुकसान होते हैं,
ध्वनि प्रदूषण से क्या किस तरीके का ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण के सोर्सेज क्या क्या हैं और उससे क्या नुकसान होता है, उसको कैसे टाला जा सकता है। और ये एक अवेयरनेस ड्राइव है, हम इसमें जन पब्लिक को, स्टूडेंट्स को, नई पीढ़ी को एक अवेयरनेस करने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। फिजियोथेरेपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसी कड़ी में हमारे शहर के मुख्य परिसर गोल मैदान में फिजियो रेस नामक क्लिनिक बनाया गया है, जहां पर पहुंचे साईं वसंत शाह दरबार के संत साईं कालीराम साहब जी, जिन्होंने डॉक्टर और उनके परिवार को आशीर्वाद दिया। ये सिर्फ फिजियोथेरेपी सेंटर नहीं है और ये पूरा स्किन का सेंटर है, स्किन ट्रीटमेंट सेंटर है, ओबेस सेंटर है। हमारी प्यारी बच्ची, दरबार की बच्ची है किरण मोटवानी, डॉक्टर किरण मोटवानी, उनका ये क्लिनिक है फिजियो रेस नाम से। आज हम लोग सब लोग यहाँ पे हैं। मैं दरबार की तरफ से किरण को, बाबा साईं परमानंद साहब जी की तरफ से डॉक्टर किरण को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, दुआएं और आशीर्वाद दूंगा कि ये इस फील्ड में बहुत आगे बढ़े। और क्योंकि इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, ट्रैकोलॉजी, स्किन एनेस्थेशन, ईएमजी, न्यूट्रिशन और फिजियोथेरेपी जो आजकल आम हो गई है, ये पैरालिसिस की जो तकलीफ़ होती है उससे उभरना बड़ा कठिन होता है, लेकिन ये फिजियोथेरेपिस्ट ही हैं जो इसको अच्छे से ट्रीटमेंट करवा के, एक्सरसाइज करवा के उनको उभारते हैं उस तकलीफ़ से। तो मैं बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर किरण को दूंगा और बहुत आशीर्वाद कि ये अपनी फील्ड में और आगे बढ़े और दरबार का आशीर्वाद हमेशा इनके साथ रहे। जय वसंत गोट, जय पारुषा, रख रोड़ी वारते। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। हमारे शहर उल्लासनगर में आगामी 25 से 28 दिसंबर तक फिजियोथेरेपी कैंप का आयोजन किया गया है, जिसकी जानकारी यहां पर दी जा रही है और लोगों से अपील किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंप का लाभ उठाएं। मेडिकल साइंस में फिजियोथेरेपी एक ऐसी पद्धति है जिससे विभिन्न बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे अपने शहर उल्लासनगर में आगामी 25 से लेकर 28 दिसंबर 2017 तक दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक फिजियोथेरेपी कैंप का आयोजन किया गया है। आप सभी शहरवासी इसका लाभ उठा सकते हैं। ये पूरे तरीके से फ्री कंसल्टिंग कैंप है जिसका पूर्णतया फ़ायदा आपको मिलेगा। तो पता याद रखें, मॉडर्न फिजियोथेरेपी सेंटर क्लिनिक
एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर अमन टाकीज रोड विशाल आइसक्रीम के पास उल्हासनगर 2 में 25 से 28 दिसंबर दोपहर 12 से 3 बजे तक। हाय, दिस इज़ डॉक्टर पिंकी रागानी फ्रॉम मॉडर्न फिजियोथेरेपी क्लिनिक एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। वी हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग फ्री फिजियोथेरेपी कैंप एट योर ओन सिटी उल्हासनगर। आमतौर पे ये पाया गया है कि लोगों को थोड़ी सी शारीरिक तकलीफ होने पर ही वो गोलियों का सेवन करते हैं, थोड़ा सा ही दर्द होने पर वो टैबलेट्स लेते हैं, जिसका काफ़ी हद तक साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। ओके, इसलिए कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसका फिजियोथेरेपी में पूरी तरीके से इलाज है, जैसे कि जोड़ों का दर्द, फ्रोजन शोल्डर, सेरिब्रल पाल्सी, पैराप्लीजिया, हेमिप्लीजिया, बेल्स पाल्सी, हील स्पर्स, कैल्केनियल स्पर्स एंड ऑल्सो एंकल स्प्रेन्स, जिसमें फिजियोथेरेपी से पूरा हीलिंग हो जाता है। ये चीज़ का अवेयरनेस हमारे शहरवासियों में बहुत ही कम हद तक पाया गया है, इसलिए हम एक फिजियोथेरेपी फ्री चेकअप और कैंप रखना चाहते हैं, जिसमें हम इस बारे में पूरी सूचना और चेकअप करके पेशेंट्स को एडवाइस दें उनके फिजियोथेरेपी केयर के बारे में। द कैंप इज़ फ्रॉम 25th to 28th of December 2017 फ्रॉम 12 to 3 PM। आई होप यू ऑल टेक एन वेरी गुड advantage of this camp, okay, to heal yourself and be healthy for coming 2018. तो याद रखिए, ये free physiotherapy camp 25th से 28th December, 25 से 28 December 2017, 12 से 3 बजे तक at Modern Physiotherapy Clinic and Rehabilitation Center, opposite Aman Talkies, near Vishal Ice Cream, ये रखा गया है आपके लिए, आप इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। आया है शुभ जन्मदिन भाई साहब प्रीतम दास उदासी जी का, इस अवसर पे हम उन्हें दे रहे हैं बेशुमार बधाइयां। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे भाई साहब प्रीतम दास उदासी जी। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं मेरा उल्लास के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास।